मेरे साथ किसी लड़की को खड़े होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना तेरा किसी लड़की से बात करना बर्दाश्त कर सकते, ये चीज कान खोल के सुन लियो, समझ गया? और अगर तेरे को इस चीज से प्रॉब्लम है ना, तो तू मेरे को लिख के दे दे, मेरे को इस चीज से प्रॉब्लम है तो फिर मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। रसीले होंठ मुझे पसंद नहीं है। किसी और के पसंद आ गए होंगे इन दिनों में तेरे को रसीले होंठ, तो कोई मिल गई होगी बिना लिपस्टिक वाली जिसके लिए पैसे उतारने की जरूरत नहीं पड़ती हो, मुझसे प्यार नहीं है। अरे मेरी जान, एक ही दिल है, कितनी बार जीतेगी ये शायरी पढ़कर आया क्या आज मेरे पास आ रहा था, तो फिर तू तो जवाब दे, एक ही दिल है कितनी बार जीतेगी बता। जितनी बार तुम हारोगे इस टेंशन के अंदर से, टेंशन में रहोगे ना तो तुम ना करियर पे ध्यान दे पाओगे ना कोई बात। आज तुम्हारे यूट्यूब पे इतने कमेंट आ रहे हैं कि वीर भैया व्लॉग डालो व्लॉग डालो। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत टाइम बाद आप लोगों को वीडियो दिख रहा होगा, मिल रहा होगा, तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर करना, स्किप मत करना, देखना। एंड आज का प्रैंक बहुत ही इरिटिंग वाला होने वाला, बल्कि उसको मैं आज बहुत परेशान करूँगी, थप्पड़ दूंगी, बल्कि पहले वो बहुत ज़्यादा भी चल रहा है प्रॉब्लम में, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज उसका ऐसे फ़ायदा उठाऊँ, गुस्सा दिला दूँ उसको खतरनाक वाला, क्या पता दो तीन लपाट में ही मार दूँ उसके। बट ये प्रैंक अगर गुस्सा भी हो जाएगा तो मैं ब्लॉग बना के उसको मना लूँगी, मैं कह दूँगी मैं प्रैंक शूट कर रही थी, बाद में बताऊँगी कि शूट कर रही थी तेरे पे, ब्लॉग में बताऊँगी इसको कि मैं तेरे पे प्रैंक शूट कर रही थी, ठीक है? उसको बुलाया मैंने, वो आने वाला ही है, जब तक अपन वेट करते हैं। एंड आपको वीडियो बहुत दिन बाद मिल रहा है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाना और अपना प्यार दिखाना, अभी आप लोगों की बहुत ज़्यादा नीड है हम लोगों को, इसलिए। गाइस, सम्राट आ चुका है, आ रहा है, मुंडा ऐसा छोटा सा कर रखा है उसने अपना। क्यों पहन नहीं सकती क्या? तेरी मम्मी ने आने दी, अरे उस मम्मी ने उस लड़के के साथ क्या करेगी, उसके घर में तो ये दिक्कत हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, उसका भाई ये यार कान... देखो तुम्हें पता है ना लोगों का काम है इधर उधर बातें करना। तो यार ये पीछे कौन है? मेरी मासी आवाज दे रही है। मेरी मासी नहीं, तो हमारी बुआ, मेरी बुआ परिवार वाले हैं मेरे। हाँ, तुम्हारे परिवार पीछे ही तो रहते हैं यार मेरे, तुम्हें पता है ना जानवरों का काम है मेरा पीछा करना। फोन दे दी तुमने, ऐसे कैसे कर रखा है फोन को? आदत है, क्या पता मेरे को देना चाह रही हो इसलिए कर रखा है ऐसे। पैसे मांग रही? इतने अच्छे काम किए क्या तुमने? पतला हुआ यार भाई पहले से बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या दिक्कत है तुम्हारे को क्या नहीं है, मतलब पहले तो ऐसा रहता था तुम्हारा के कोई टेंशन हजार आती है हजार जाती है। देखो मैंने कितनी बार बोला है यार, लेकिन तूने इस टेंशन के अंदर पता है क्या करा है तूने? क्या करा? तू मेरे को बिल्कुल ही भूल गया है। क्या घंटा भूल गया तेरे को मैं? तू तो जान है मेरी, तेरे को भूल सकता हूँ क्या मैं? हाँ समझ गया ना, और ये जान व्यान तो तेरे को उस टाइम याद नहीं आते जब तेरे को कॉल करती हूँ। अरे क्या कर रहा है यार, मेरे पास आया ना तो दो पल चैन से दे लिया कर, क्षण दिखाने लग जाएगा जगह जगह मेरे को। क्या मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ बस, ये क्या है ये? मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। हाँ क्या देख रहा हूँ, ये अपने घर पे देखा करो, मुझे परेशान मत किया करो। अरे तेल लगा रखा था, तेल लगा रखा है। कल को तुम्हारे साथ में कहीं पे भी जाऊँ वहाँ पे भी तुम ये ऐसे करते रहोगे तुम्हारे बालों को। तो तेरे को बड़ी दिक्कत हो रही, मेरे पे क्यों चिढ़ रही है तू? चिढ़ रही है क्या? एक तो प्रॉब्लम तेरे घर में टाइम तो मुझे देता नहीं है, तेरे को अलग ही दिक्कत है। तेज क्यों बोल रहे थे, लोगों को सुनाना चाह रही थी, बोल रहे पार्क में कि भाई मैं मेरे बॉयफ्रेंड को दबा के रखती हूँ, दिमाग खराब कर रहा है, इसलिए उस पे चिढ़ रही हूँ, इसलिए ऊपर चिल्ला चिल्ला के बात। चिल्लाने की बात नहीं यार, तू मजबूर कर देता चिल्लाने पे मुझे। घंटा मजबूर कर देता हूँ मैं। एक बात बता, अभी तेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, शायद दो हफ्ते होने वाले हैं उस चीज को, ठीक है? तूने मेरे बर्थडे के बाद, तेरे बर्थडे के बाद से ना तूने मतलब मेरे साथ ऐसा बिहेव कर दिया जैसे तूने मुझे फोन दिला के एहसान कर दिया हो। हाँ मुझे अच्छे से बात तक नहीं करता है तू, ना तू मुझे आजकल टाइम देता है, मतलब बर्थडे से पहले तू इतना वो था, मेरे बर्थडे वाले दिन भी बहुत खुश था, तेरे बर्थडे के बाद में पता नहीं तुझे ऐसा क्या हो गया कि तूने ध्यान देना ही बंद कर दिया है। ध्यान और कैसे दूं तुम बताओ? नहीं पास में होते हो तो ध्यान तो दोगे, दूर रहते तो तुम मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। दे तो दिया। क्या ध्यान दिया? तेरी हाथ में देख मैं काला पड़ गया। अरे रहने दे, होगा किसी और के प्यार में। और के प्यार में? और के प्यार में वीर सम्राट सोच भी नहीं सकता। मैं कैसे मान लूं कि तेरे दिमाग में मेरे सिवा किसी और लड़की का ख्याल नहीं आता? खोल के दिखा दूं, मशीन हूं ना मैं तो, खोल के दिखाऊं? हां चीरू चीरा लगाऊं, दिखाऊं दिमाग में कोई बसी तो नहीं है? हां यार कोई बातें तो ऐसे करते जैसे मैं झूठा प्यार करता हूं। माथे पे बिंदिया सेम, नाखून पे वो ये नेल पॉलिश, क्या बोलते इसको, ये सेम। हां कहां इंप्रेस करना है क्या मेरे को? मैं भी हूं भाई, इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड मुझे मत भूल जाना तुम।
हाँ तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं भी हूँ तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारा परिवार नहीं है, मैं भी हूँ, मुझ पे भी ध्यान दो। समझ गए? आई नो। इस टेंशन के अंदर से टेंशन में रहोगे ना तो तुम ना करियर पे ध्यान दे पाओगे ना कोई बात। आज तुम्हारे यूट्यूब पे इतने कमेंट आ रहे हैं कि वीर भैया व्लॉग डालो व्लॉग डालो, छोड़ो इसको। तभी तो तुम्हारे पास आया हूं। क्यों आए मेरे पास? थोड़ा टाइम स्पेंड करने। इससे क्या होगा? मैं देखो मतलब, रोज बुला रही हूँ मैं। अरे मैं मतलब सारी अपनी दिल की बातें शेयर कर सकता हूँ तुम्हें, ताकि इसलिए रोज बुलाती हूँ मैं तेरे को रोज कि मेरे से मिलना आ जा, मेरे से मिलना आ जा, और तू मुझे कहता कि यार ओहो ये उतर गया, मैं नहीं उतारा उसका। तू मुझे रोज कहता कि हाँ आ रहा हूँ, आ जाऊँगा, कल आऊँगा, जिम रहता है, फोन करती हूँ, चिल्लाता फोन उठा के तू मेरे पे। कर चिल्लाया मैं? अरे तू टेंशन में है, मैं थोड़ी ना टेंशन में हूँ, तो तू मुझे टेंशन। एक बार भी चिल्लाया किधर हूँ? क्या 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 तुमने तुम्हारी आईब्रो नहीं बनवाई है? तुम नहीं बनवाई? क्यों, किसको दिखाऊं मैं अच्छी बन के? तुम सोना की जगह सोन सिंह लग रहे हो। आदमी लग रहे हो, मर्द। हो गया तेरा? हो गया क्या मेरा? अभी तो कहाँ हुआ मेरा, वही नहीं, अभी तो आया हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। बहुत कुछ होगा। क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो तो मुझे ये बताओ। बहुत कुछ यार, देखो बात ऐसी है क्या कि तुम अपने करियर पे ध्यान दो, अगर फैमिली के पीछे और इन तुम्हारे जो पर्सनल प्रॉब्लम चल रहे हैं इनके पीछे रहोगे तो तुम करियर पे ध्यान नहीं दे पाओगे। क्या बोल रही? तुम इस पर्सनल प्रॉब्लम से कब बाहर निकलोगे? अरे निकल गया ना, और कैसे निकलोगे? कहाँ निकला है तू? तभी तो मिलने आया हूँ, तेरा पल्लू पकड़ने आया हूँ। चल फिर मंदिर। क्यों मंदिर क्यों? ब्याह कर ले मुझसे। ब्याह कर ले? ब्याह ऐसे हो जाएंगे? हाँ शादी ऐसे हो जाती तो लोग पता नहीं कितने शादी कर लेते हैं, कितने बच्चा बच्ची पैदा कर लेते हैं। एक तो ये और ये तुम्हारी चुन्नी। छोड़ो मेरी चुन्नी, मेरा फैशन बिगाड़ रहे हो तुम। पर आए क्या के लिए हो मुझे यार तुम? एक तो ये ना मुझे ऐसा लग रहा तुम मुझे परेशान करने आए हो। तुम करने आए हो मेरे को परेशान, ऐसा लग रहा है? बोल क्या हुआ, किस लिए बुलाया मेरे को, जवाब दे। मैंने तुम्हें क्या, तेरा बाप दूसरा ब्याह करा रहा है क्या तेरा? मैं काफ़ी टाइम से तुमसे बात बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या पता तुम्हारे पापा के अरमान जाग गए होंगे कि मेरी बेटी आज तक मतलब सम्राट से नहीं मिल रही है, तो इसी बार ने मैं रिश्ता देख लेता हूँ अच्छा सा, और लड़के लड़के को घर पे बुला लेता हूँ, और फिर सोने का ब्याह करा देंगे मस्त। क्या पता लड़का स्मार्ट हुआ। थोड़ा ना अपनी लिमिट में रह के बोलो मेरे पापा के लिए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके ठीक है, ज़रूरी क्या दिमाग में उनका यही ख्याल आता हो? मतलब लड़की वाले गलत होते हैं कि हमेशा, तुम लड़के वाले नहीं होते हो? लड़का गलत नहीं होता है? लड़का गलत नहीं होता? लड़का गलत नहीं होता है? नहीं होता है? नहीं होता है। तू सही है, सब सही है, लड़का गलत नहीं तू सही है, इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान सही होगा। लड़के गलत नहीं होते, होते हो। ठीक है, होते हो। कैसे होते हो? प्रूफ कर, तुझे खुद को पता है क्या कि इंसान अपनी गर्लफ्रेंड पे वाइफ की तरह हक जताता है, और अपनी गर्लफ्रेंड को हस्बैंड वाला हक देता है? तू क्या देता है? तू मुझे हस्बैंड वाला हक? तू है क्या मेरी गर्लफ्रेंड, वो वाइफ? तो मैं तेरी वाइफ हूँ। कहाँ है तो फिर हक चढ़ाता क्यों है? वो अभी तो सेटिंग होती है ना, सेटिंग जैसे दोस्त होती है। अच्छा मैं तेरी दोस्त हूँ? तू मेरी गर्लफ्रेंड है बस। ओके गर्लफ्रेंड हूँ तो मुझे गर्लफ्रेंड हो ना, तो गर्लफ्रेंड की लिमिट में रखा कर वाइफ और हस्बैंड मत बना कर, तू मेरा हर जगह मेरा हस्बैंड बन के मत घूमा। कब बना ये बता, मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो? तू कहने तुम है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम है ना मेरे साथ में मतलब एक हस्बैंड वाला बर्ताव करते हो, जो एक हस्बैंड करता है अपनी वाइफ के साथ में, गुस्सा करना, उसको पीटना, उसको गाली देना। मुकत पीटे था ना? मैंने कब पीटा तेरे को? क्यों तू मुझे मारता नहीं है? कब मारा? क्यों अभी लड़ाई नहीं हुई थी अपनी? कब? क्या बोल रही बता, कब पीटा? जबरदस्ती कुछ भी बोल रही अपने मन से? वाह रे वाह, कपड़े सही कर रहे ढंग से। मेरे कपड़े कैसे भी रहे? मच्छर आ गया, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे टच करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए। तो बॉयफ्रेंड हो ना, दोस्त हो तुम? दोस्त 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 की जगह रहो। ओके फिर एक दोस्त ये नहीं कर सकता, हाथ पे पिक कर लिया मैंने, नहीं कर सकता दोस्त, लेकिन नहीं कर सकता मैंने कि मेरे दिल में तेरे लिए अटैचमेंट है, इसलिए मैंने तेरे को पप्पी दी है। अच्छा मैंने सुना कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मतलब तुम्हें मुझसे लगाव है, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। अरे मेरी जान एक ही दिल है, कितनी बार जीतेगी ये बता दे तो। ये बता, शायरी पढ़कर आया है क्या आज मेरे पास आ रहा था? तो शायरी कुछ करके नहीं हो तो फिर तू तो जवाब दे, एक ही दिल है कितनी बार जीतेगी ये बता, जितनी बार तुम हारोगे मुझसे? हाँ यार कोई प्यार करता हूँ। हाँ बोल दिया भाई, गर्लफ्रेंड है तू मेरी,
अब तू वाइफ का हक मांग रही है तो वो तो हो नहीं सकता। वो क्यों नहीं हो सकता यार, क्यों नहीं दे सकता तू? मैं तुझे एक हस्बैंड का हक नहीं देती हूँ? नहीं, अपनी शादी नहीं हुई अभी तो फिर ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, अभी तू ये सब बकवास मत कर। हाँ, मुंह बंद रख। हाँ, इस बात पे थप्पड़ भी मार सकती है मेरे। ले थप्पड़ तो तू खाएगा। इतना जोर से मुंह बंद रख ले। वाइफ का हक नहीं दे सकता ना तो तू तेरे डाल ले इस हक को भी। अब मेरी बात सुन। क्यों सुनो तेरी बात में? क्योंकि तू मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड होना नहीं सुनूंगी। गर्लफ्रेंड किस लिए नहीं सुनूंगी? तेरी बकवास सुनने के लिए बनाई तूने। अब तुम खुद उल्टा ले रही हो तो मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज का। हाँ शायद बकवास सुनाने के लिए हम लड़के गर्लफ्रेंड बनाते हैं। हम लड़के गर्लफ्रेंड बनाते हैं मतलब मैं तो बकवास सुनने के मतलब लड़कियों को बकवास सुनाने के लिए मतलब लड़कियों को बकवास सुनाने के लिए गर्लफ्रेंड बनाता हूँ। मतलब तुम्हें इसलिए बनाया मेरी गर्लफ्रेंड ताकि मैं तुम्हें अपनी बक 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 सुना सकता हूँ। अच्छा, और जो मुझसे पहले थी उसको क्या सुनाता था तू? उसको प्यार के बोल। हाँ, तुझे नहीं जानती मैं अच्छे से। नहीं जानती तुझे मैं अच्छे से तो कितना वो है। मैं तेरे को नहीं जानती अच्छे से। तेरी कितनी लड़कियां थी? मेरी जानती हूँ मैं आज भी कितनी सेटिंगे थी तेरी। अभी तो एक भी पैदा नहीं करी हूँ। तुमने तो तुम्हारी कितनी लड़कियां थी? सेटिंगे सेटिंगे समझ गया ना। और ये चीज तो खुद जानता है। अच्छा, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है। हो हाँ यार, कोई बाबू यार, मैं अपना मूड फ्रेश करना है हूँ तुम्हारे पास। सोचा कि गर्लफ्रेंड मेरे लिए चॉकलेट लाई होगी, बहुत दिन हो गए मिले हुए, बट मेरी गर्लफ्रेंड तो गुस्सा लेकर आई है बहुत सारा और मेरे पे उतार रही है। मुझे तो तू जहर दे के मारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुझे मीठा खिलाऊं? काश। मैंने सोचा, मैं सोचते सोचते आ रहा था, वो अपने होठों पे लिपस्टिक लगा के आई होगी, रसीले होठों पे, और रसीले होठों से मेरे को किस करेगी, बट यहाँ पे सब कुछ उल्टा ही हो गया। मेरे पे तो चिल्ला रही है मातरमा, जैसे मैं किसी लड़की के साथ सोकर आया हूँ। भी मुझे पता भी चल गया ना तो मैं जान से खत्म कर दूंगी। मार दे पहले। इसका मतलब सो के आया? अरे मजाक कर रहा हूँ। सो के आया? मजाक नहीं कर। सो के आया? सो के आ गया ना तो खत्म कर दूंगी। समझ गया ना? तुझे भी और उसको भी साथ में दोनों को बांध के खत्म करूंगी। और मैं तेरे पीछे जितनी साइको हूँ ना उतनी कोई और हो नहीं सकती। ये चीज ध्यान रखियो। तू पागल है? हाँ, तेरे पीछे। तू पागल है? हाँ, तेरे पीछे। आर यू मेंटल? यस। या रियली? यस। तू बावली है? हाँ। समझ गया। मैं तेरे साथ किसी लड़की को खड़े होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना तेरा किसी लड़की से बात करना बर्दाश्त कर सकते। ये चीज कान खोल के सुन लियो। समझ गया? ठीक है। और अगर तेरे को इस चीज से प्रॉब्लम है ना तो तू मेरे को लिख के दे। मेरे को इस चीज से प्रॉब्लम है तो फिर मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। ओके। अरे मैं तेरे से बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। देखो देख, सीधी सी बात है, मुझे बर्दाश्त नहीं तेरा किसी लड़की से बात करना, किसी लड़की को दोस्त की नजरों से देखना, या तेरी मतलब तेरे दिमाग में ऐसा थिंकिंग लाना कि हाँ लड़की भी एक लड़के की दोस्त हो सकती है। यार तू ना चुप कर ले, मैं एक रेपर दे दूंगी तेरे को खींच के। प्यार आ रहा है क्या? मैं तेरे को प्यार दे रहा हूँ, प्यार दिखा नहीं चाहिए मेरे को तेरा प्यार। तो क्या मेरे छत पे चढ़ेगी क्या? मेरे टांगों पे चढ़ेगी? मेरे माथे पे चढ़ेगी क्या? छत पे चढ़ूंगी? साइड में खड़ी हो जाना आके। हाँ यार, कोई साइड में खड़ी हूँ, बता। मैं ये कह रहा था कि ना, मेरी बात का जवाब, तुम्हारी मम्मी ने तुमको कान भर के भेजे हो, ऐसा लग रहा है कि जाते ही उससे लड़ लेना बेटा। वो एक मूवी है ना अभी, वो किसकी मूवी आई थी जो उसमें वो उसकी माँ उसको पटाने के लिए वो आइडिया देती है बहुत बढ़िया बढ़िया। चल बस कर और बकवास मत कर। तेरी माँ बकवास मत कर। तेरी माँ ब्रेकअप करने का आइडिया दी थी, देखो दिमाग में भर के भेजा कि बेटा ऐसे से ब्रेकअप करना, ऐसे से लड़ना उससे, ठीक है ना? है ना, तभी तो मैं से लड़ी है खेपड़ी कही की साली। आ नहीं बॉयफ्रेंड से कितने दिन हो गए? आज 25 दिन हो गए बर्थडे के। मतलब अपन 7-8-9 तारीख के बाद ही अलग हो गए। मतलब 9 तारीख के बाद तो सोच लो गर्लफ्रेंड का नाम निशान ही मिट गया, तेरी यादें ही मिट गई मेरे दिमाग से। हाँ तो देख ले। अरे जरा मजाक कर, मजाक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। काफ़ी दिन हो गए मजाक करे हुए। मैंने साथ थोड़ी सी मजाक कर लूँ, गर्लफ्रेंड के साथ सारी बातें शेयर करूँ। मतलब मैं सेड होना नहीं चाहता, मैं खुश हूँ ऐसा दिखाना चाहता हूँ आपको। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? ये यू नो घुस जा मेरे अंदर। नहीं 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 घुसूंगा मैं। तुम्हारे रसीले होठ मुझे पसंद नहीं है। किसी और के पसंद आ गए होंगे इन दिनों में तेरे को रसीले होठ? तो कोई मिल गई होगी बिना लिपस्टिक वाली, जिसकी लिपस्टिक उतारने की जरूरत नहीं पड़ती हो। हाँ। नीचे झुक के बात कर, मेरे से समझ गया ना, ऐसे ऊंचा चढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँ, तेरे बाप में कोई कमी थी, तेरी हाइट नहीं बड़ी इसलिए, मेरी कोई गलती है नहीं। हाँ यार,
मैं तो ऐसे बात करूंगा जितनी मैं इतनी देर वो झुक कर होकर कमर दुखने लगी ऐसे बात कर रहा था मैं, अब खड़ा होकर तो बात करूंगा ना मेरी जान। और बता, मेरी याद नहीं है तुम्हें? क्यों? बस लड़ना है, लड़ना कम नहीं करेगी? नहीं करूंगी, मेरी जिंदगी में लिखा मैं पैदा लड़ने के लिए हुई हूँ। मैं माँ बाप से भी लड़ती हूँ, मैं तुझसे भी लड़ती हूँ, जो मेरी जिंदगी में आएगा मैं उससे लड़ूंगी, चाहे वो दोस्त हो कोई भी हो। फिर तुम्हारा नाम क्या रखूँ मैं? लड़ाकू गर्लफ्रेंड। केट, केट बिल्ली, बांगड़ बिल्ली। बांगड़ बिल्ला सबसे लड़ता है, तुम्हें पता है, सब पे पंजा मार देता है, बिल्ली ऐसा है, म्याऊं ऐसा करना तुम। घूर मत इतना प्यार से, वरना और प्यार हो जाएगा हमें को। क्या करूँ, तुम इतनी खूबसूरत जो लग रही हो, काश तुम्हारे बाल में बनाता इस तरह। या फिर ये बोलना चाहिए था, काश तेरी मांग में मेरे नाम का सिंदूर हो। कितनी सोहनी लग रही है। ले चला जा, चलते हैं। चलो कॉफी पिलाता हूँ। शक्ल देखिए आईने में, कॉफी पिला दो। कॉफी पिलाता हूँ। अच्छी एक तक गंदा बास रहा है तू पसीने। तेरे बाप को बोलना था कि तेरा बाप कितना बदबू मारता है। मैं तो ऐसे ही मारता हूँ। अरे सुन ना, बोल। अच्छा ठीक है, जा रहा है तो जाऊँ को नहीं थारी माँ फोन में रिकॉर्डिंग कर रही था तो वीडियो तुम्हारे ऊपर वीडियो शूट कर रहा है। वाह काम धंधे पे तो चला जाए यहाँ से गवार कहीं का। गाइस सब बीच में गाली बक दियो, काटने पड़ेगी मुझे। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर।